बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के कैराना से, जहां पर हंगामे के बाद सुरक्षा बल को फायरिंग करनी पड़ी है। हंगामाइयों को शांत करने के लिए सुरक्षा बल ने यहां फायरिंग भी की है। बताया जा रहा है कि दो गुटों में झड़प हो गई थी, एक पोलिंग बूथ के बाहर कैराना में ये झड़प हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आखिरकार सुरक्षा बल को फायरिंग करके इन्हें यहाँ से खदेड़ना पड़ा है। कैराना के पब्लिक इंटर कॉलेज के बाहर ही, बूथ नंबर 287 के बाहर ये हंगामा हुआ। फायरिंग कर सके ना 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 तू ना तू ना करा कर यार। अनुराग ढाणा हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। अनुराग, आखिर क्या पता चल पाया है अधिकारियों को, अब तक क्यों इस तरह की नौबत आई कि फायरिंग करनी पड़ी सुरक्षा बल को? देखिए, रसूलपुर गांव का ये मामला है। वहां पर बिल्कुल ठीक ठाक वोटिंग चल रही थी जब ये मामला हुआ। उससे ठीक पहले एक आरोप लगाया गया, ये कहा गया एक पक्ष के द्वारा कि दूसरा पक्ष बोगस वोटिंग यानी फर्जी वोटिंग करने की कोशिश कर रहा है, और इसी बात को लेकर बहस हुई, तनाव हुआ, वो झगड़े में तब्दील हुआ। और जब पुलिस उस झगड़े को रोकने की कोशिश कर रही थी और जब पुलिस उन जो तमाम लोग आरोप लगा रहे थे उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त गांव के कुछ लोगों की तरफ से पथराव हुआ स्कूल के गेट पर, पोलिंग बूथ पर। और पोलिंग बूथ को सिक्योर करने के लिए रिजर्व फोर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फायरिंग हुई, जो कि वीडियो में भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से पहले पथराव हुआ गेट पर और उसके बाद जो तमाम सुरक्षाकर्मी पोलिंग बूथ पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन ली और भीड़ को तितर बितर करने के लिए या जो हमलावर थे उनको पीछे हटाने के लिए फायरिंग की गई। और ये पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बताया गया कि हवाई फायरिंग ये की गई थी, किसी पर निशाना लेकर ये फायरिंग नहीं की गई थी, और इसका मकसद था कि भीड़ को वहां से हटा दिया जाए। उसके बाद गांव वाले गुस्से में हैं, बाहर प्रदर्शन हुआ उसके बाद पोलिंग बूथ के बाहर, और कुछ देर तक वहां लगातार इसी को लेकर के तनाव बना रहा। हालांकि प्रशासन अब ये दावा कर रहा है कि अब स्थिति काबू में है, चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है। ये पूरा का पूरा जो मामला है इस पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, वहां रिपोर्ट भेजी जा रही है। लेकिन जो वो पूरा इलाका है कैराना का, वो काफी वहां पर टसल रहता है और आर पार की लड़ाई इस बार बहुत क्लोज फाइट है, जिसकी वजह से ये तनाव की स्थिति ज्यादा बनी हुई है। सुबह भी अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आरोप नेताओं की तरफ से भी लगे। संजीव बाल्यान ने सबसे पहले सुबह शुरुआत की, उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही है, चेहरा नहीं देखा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं का। हालांकि अजीत सिंह जो उनके सामने खड़े हुए, उन्होंने दरकिनार किया इस पूरे आरोप को। लेकिन लगभग ऐसी स्थिति कैराना में है, वहां भी कांटे का मुकाबला है, वहां इस चीज को लेकर के तनाव था, एक एक वोट को लेकर के जो समर्थक है पार्टियों के वो अपने अपने पोजीशन पर अड़े हुए हैं। और ये अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, हंगामा भी एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। लेकिन कैराना में जो यहाँ रसूलपुर में फायरिंग करनी पड़ी है सुरक्षा बल को, मृगांका सिंह भी इसी पोलिंग बूथ में आकर मतदान करके पहले जा चुकी हैं, और बेहद अहम संवेदनशील ये पूरा का पूरा इलाका भी है। लेकिन आखिर किस तरह की शिकायत अब तक देख पाया, दर्ज कर पाया है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल ये संवेदनशील बूथ था। अगर आप देखें भी विजुअल्स में भी आपको नजर आएगा, रिजर्व फोर्स वहां पर तैनात थी, अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया था। कहीं ना कहीं गुंजाइश थी, कहीं ना कहीं प्रशासन को ये शक था कि इस तरीके का मामला कुछ हो सकता है, इसीलिए वहां पर रिजर्व फोर्स तैनात की गई थी। इसकी रिपोर्ट बाकायदा बनाई जा रही है अभी प्रशासन के द्वारा, जो चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। प्राइमा फेसी ये कहा गया प्रशासन की तरफ से, जो रिपोर्ट में भी होगा कि फर्जी वोटिंग का आरोप लगा, उसके बाद दो ग्रुप में दो गुटों में बहस हुई, और उस बहस को रोकने की कोशिश जब पुलिस प्रशासन कर रहा था तो पुलिस प्रशासन के साथ गांव के लोगों का टकराव हुआ, जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। तो ये एक तरीके से पुलिस अपनी रिपोर्ट में या रिजर्व फोर्स अपनी रिपोर्ट में यही बताने वाली है कि किस तरीके से मतदान केंद्र को सिक्योर करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, और वो स्थिति लगभग हमको वीडियो में भी नजर आ रही है प्रशांत, जिस तरीके से स्थिति बन गई थी कि लोगों को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बीच में बाहर से पत्थर फेंके जा रहे हैं स्कूल के मतदान केंद्र के दरवाजे पर, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये पुलिस प्रशासन की तरफ से जो अपनी रिपोर्ट दी जाएगी चुनाव आयोग को, उसमें कहा जाएगा कि मतदान केंद्र को सिक्योर करना जो कि प्राइमरी ड्यूटी, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है, सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद है। लेकिन ये जो अधिकारियों के अपने दावे हैं, आप वहीं जमीन पर मौजूद हैं, लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, क्या लोगों का कहना है इस तरह के हालात के बारे में, लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस वक्त कैराना में जहां आप मौजूद हैं?
देखिए लोग लगातार यही कह रहे हैं, गांव के लोगों का आरोप भी यही था कि एक व्यक्ति ने जिसने मतदान किया वहां पर उसने फर्जी मतदान किया, किसी और के नाम पर उसने वोट डाल दिया और इस बात को लेकर के तनातनी और बहस शुरू हो गई और पुलिस प्रशासन जब तक कि इस पूरे मामले को समझ पाता या गांव वालों को शांत कर पाता ये मामला एक तरीके से झगड़े में तब्दील हो गया दो पक्षों के और उसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। और आप अगर पूरे वीडियो को तफसील से भी देखेंगे तो हो यही रहा है कि एक व्यक्ति पर आरोप लगा, बहस हुई और उसके बाद कुछ लोगों को पुलिस ने गेट के अंदर कर लिया, उनको कॉर्नर करने की कोशिश की ताकि मामले को समझ करके उसको शांत किया जा सके, लेकिन वैसा होता हुआ लगा नहीं। जो बाहर जिनको निकाला गया ग्रामीणों को उनको लग रहा था कि शायद अंदर कुछ सही नहीं हो रहा है। शुक्रिया अनुराग। तो ये हालात आखिरकार बन गए और सुरक्षा बल को यहाँ फायरिंग तक करनी पड़ी। कैराना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब और डिटेल्स आएंगी तब हम जाएंगे उस वक्त कैराना की ओर, अपडेट लेकर आएंगे आपके पास। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। सबसे बड़ा दंगल में खबरों का सिलसिला जारी है और वोट का सिलसिला जारी है। बटन दबाइए, देश बनाइए। बहुत भारी मात्रा में 1 बजे तक तो वोटिंग हुई है जो 91 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं रायबरेली में। कल अमेठी में राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, आज अमेठी में स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ वहाँ हैं। स्मृति ईरानी जी अपना नामांकन भर रही हैं अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए। वहीं सोनिया गांधी की बड़ी रैली है आज रायबरेली में, अपना पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी में नामांकन करेंगी। नामांकन से पहले सोनिया रायबरेली में रोड शो कर रही हैं, तो स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी ताकत दिखा रही हैं। सोनिया गांधी के रोड शो में उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं, जबकि अमेठी में स्मृति ईरानी के साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अब ये रैली वर्सेस रैली का नज़ारा आप देख रहे हैं अमेठी में। अब सबसे बड़ा आज चुनौती है स्मृति ईरानी के पास और योगी आदित्यनाथ के पास कि राहुल गांधी की रैली से बड़ी उनकी रैली हो। लोग भारी भारी तादाद में आए हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो ग्राउंड से रिपोर्ट ये आई है कि भाजपा का भी वहाँ पर काफ़ी काम है। स्मृति ईरानी ने काफ़ी फोकस किया है अमेठी पर क्या ये इम्पैक्ट वोट में तब्दील होगा? पिछली बार जो 2014 में मोदी वेव के दौरान उनका राहुल गांधी की जो जीत के जो नंबर्स हैं, जो डिफरेंस हैं, वो सिमट कर 1 लाख वोट तक आ गए थे। 3 लाख वोट से 2009 में 3 लाख वोट से जीते थे, 2014 में 1 लाख वोट से जीते थे। स्मृति ईरानी सिर्फ 2.5 महीने कैंपेन कर पाई थी अमेठी में, अब की बार 5 साल उन्होंने वहाँ काम किया है। अरुण सिंह हमारे साथ रायबरेली से जुड़ रहे हैं। रायबरेली क्या सड़कों पर उतर आया है? बहुत गर्मी है बाहर, कम से कम 38 से 40 डिग्री के बीच गर्मी है। अरुण सिंह, आपके भी पसीने छूट रहे हैं, पर बताइए रायबरेली में कैसा है जन उन्माद? देखिए आनंद, पहली बात की पसीने छूटे थे, जरूर कई बार छूटे थे, लेकिन वो तब जब रोड शो चल रहा था। अब रोड शो खत्म हो गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस वक्त मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं अपने पीछे तो जो कलेक्ट्रेट है यहां पर ये लोग आ गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लगभग 15 मिनट का समय बीत चुका है, 5 से 10 मिनट और लगेगा और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया खत्म करके ये तीनों नेता बाहर आने वाले हैं। जहां तक जन सैलाब की बात आपने की, जाहिर सी बात है अमेठी और रायबरेली दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ध्यान अगर दिया नेहरू गांधी परिवार ने तो आज़ादी के बाद से वो दिया है और उसको अपनी कर्मभूमि भी बनाई है। अगर आप देखिए तो 1967 में जब इंदिरा गांधी यहाँ से रायबरेली चुनाव लड़ने आई थी उसके बाद से लगातार प्रतिनिधित्व होता रहा है और नेहरू गांधी परिवार के लोगों के पास ही ये सीट रही है। ये बात आपकी ठीक है। कुछ देर पहले जो आप कह रहे थे कि अमेठी में इस बार राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से घेरने की रणनीति बीजेपी ने बनाई और उसकी वजह से स्मृति ईरानी पिछले 5 सालों में कई बार आई हैं, केंद्र की योजनाएं वहां आई हैं, राज्य ने बिजली सड़क पानी पर ध्यान दिया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने खुद इंटरेस्ट लिया, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोग अमेठी में लगातार आ रहे थे और लगातार यहां पर काम कर रहे थे। तो अगर इन सब चीजों के बीच में अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी के जो मार्जिन का आपने जिक्र किया 1 लाख तक, वो निश्चित रूप से अलार्मिंग था और उसको लेकर के काम करना शुरू किया प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने। और एक बात और भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक वजह ये भी रही हो कि वायनाड तक उनको लेके जाना पड़ा। पर रायबरेली का क्या है सूरत हाल ये बताइए, सोनिया गांधी को इस बार कौन टक्कर देगा? कई बार अटकलें ये लगी थी कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी जगह लेंगी, अब की बार पर सोनिया गांधी ने फिर निर्णय लिया कि वो खुद लड़ेंगी। आप बताइए कांग्रेस में क्या चर्चा है और आज अगर आप ग्राउंड में अगर आप टर्नआउट देखें तो अमेठी की तुलना में रायबरेली में भीड़ ज़्यादा है?
कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस रैली आप कंपेयर कीजिए अमेठी वर्सेस रायबरेली। अरुण आप दोनों जगह मौजूद थे। आनंद मैं एक बात कहूंगा कि अमेठी की बनस्पत अगर रायबरेली की बात करें तो सोनिया गांधी के सामने कोई बड़ी चुनौती यहां नजर नहीं आ रही। दिनेश प्रताप सिंह जिनको बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है वो कांग्रेस में ही थे पहले और अब उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है। रायबरेली की बात करें महागठबंधन जो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने अपना समर्थन पहले ही घोषित कर दिया दोनों नेताओं को, तो अमेठी से सुगम जीत अगर होती है तो हालांकि मतदाताओं के हाथ में आखिरी फैसला होता है मतदान से पहले और काउंटिंग से पहले जीत हार का फैसला और फोरकास्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अमेठी से ज्यादा आसान नेहरू गांधी परिवार के लिए रायबरेली की सीट आज के दिन में है क्योंकि इतना फोकस रायबरेली पर नहीं किया बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री ने, स्मृति ईरानी ने, जितना अमेठी को टारगेट किया उसकी वजह भी हो सकती है। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे देश पर उनको ध्यान देना है। अगर अमेठी में उनको कैद कर दिया जाए, घेर दिया जाए, आने पर मजबूर कर दिया जाए तो और देश के हिस्सों में वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे बीजेपी को। जहां तक रायबरेली की बात आपने की, रायबरेली निश्चित रूप से बहुत पुराना गढ़ है और आज मैं जो देख पा रहा था, लोगों से बात कर रहा था, सोनिया गांधी का शायद यह आखिरी चुनाव हो सक्रिय जीवन का, संसदीय जीवन का, क्योंकि खबर यह भी है और चर्चा इस तरह की भी है कि अगर दोनों सीटों से राहुल गांधी जीत जाते हैं, अगर अमेठी से भी जीत जाते हैं और वायनाड से भी, तो हो सकता है कि यहां के अमेठी के लोगों को समझा बुझा के उनको परिवार की तरह मानते हैं और उनसे रास्ता भी इस तरह का है, तारुफ भी इस तरह का, उनको समझा बुझा करके वायनाड सीट अपने पास रखें और हो सकता है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव में यहां से संसद भेजने की बात करें वो। उसके बाद जो अगला चुनाव होने वाला 2024 में, ये दोनों सीटें तब मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ने वाली हैं, तब ये दोनों सीटें भाई बहन के लिए हो सकती हैं। हालांकि ये सारी बातें चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, फैसला जब होता है तो वो उसी समय पर होता है 2022 में। इस बीच प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में चेहरा बनाने की भी बात है और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में एक तरह से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का उत्तर प्रदेश का। तो अमेठी और रायबरेली दोनों जगह सही का आनंद हमने घूमा, वहां पर बहुत सारे लोगों से बात की, अमेठी में भी बहुत सारे लोगों से बात की। अमेठी में चुनौती जरूर है, मैं आपसे यह कहूंगा ग्राउंड रियलिटी यह है कि चुनौती है, जो कोशिश की है बीजेपी ने, स्मृति ईरानी ने, उसका असर जरूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा खतरा हो ऐसा फिलहाल देखने को नजर नहीं आ रहा था। और मैं फिर इस बात इस राइडर के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि मतदाता ही आखिरी फैसला करता है, वही तय करता है किस्मत हमारे आपके और सड़क पर जो लोग चल रहे हैं कुछ लोग उनके कहने से तस्वीर न बदलती है और नहीं बिगड़ती। मतदाता फैसला करता है करती है और उन्हें फैसला करना चाहिए, अपना हक जो है उसको जताना चाहिए, बटन दबाना चाहिए, देश बनाना चाहिए, यही हम कहना चाह रहे हैं। अरुण आप वहां पर ग्राउंड पर है मेरे साथ, आप बने रहिए लाइव, मैं आपकी ओर रुख करूंगा। यहाँ पर काफ़ी युवा ऑडियंस भी हमारे साथ, लेकिन मैं रामकृपाल जी और इनसे पूछना चाहूँगा, संजीव तिवारी जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, आज आपने रैली बनाम रैली देखी, मैं सिर्फ कांग्रेस की रैली कह रहा हूँ, कि अमेठी में क्या आपको लगता है राहुल गांधी को जिताने लायक जो टर्नआउट है वो टर्नआउट था, और क्या आपको लगता है कि रायबरेली में, क्योंकि अब की बार सोनिया गांधी हैं तो कहा जा रहा है चलिए आप अपनी लास्ट इनिंग खेल लीजिए, बैटिंग कीजिए आप। आनंद जी देखिए, अगर 2014 का आप देखें तो जिन पार्टियों का पूरा सुपड़ा साफ हो गया उनकी उन पार्टियों के भी परिवार के जो लोग थे उनको जनता ने जिता दिया। अगर आप देखें समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी साफ हो गई, सिर्फ जीता तो परिवार जीता जी। ऐसे ही कांग्रेस को पूरा साफ हो गई लेकिन जीता तो परिवार जीता जी। तो क्या होता है कि जो बड़े राष्ट्रीय जो नेशनल फिगर के लोग हैं और उनका रहता है कि एक लोगों को ये रहता है कि ये नेता हमारे यहाँ रहेगा भले काम करे ना करे, लेकिन एक उसको होता है कि अमेठी से एक जमाने में ये गांधी परिवार जब कांग्रेस रही है वो जीता करता था, जो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ हार, हालांकि जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं 23 तारीख को पता चलेगा क्या है, लेकिन आज भी मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत बहुत खराब परिस्थितियों में भी, जब पार्टी बहुत खराब परिस्थिति में होती है तब भी उसके परिवार के जो लोग होते हैं अमूमन जनता उनको जिता देती है। नहीं जिता तो देती है, लेकिन क्या आप वोट देने के मायने नहीं बदले? अगर आप देखिए कि एक बजे तक जो ज्यादा जो टर्नआउट आया है और जितने लोगों से हमने बात की है यहाँ न्यूज 18 पर, लोग आके ये कह रहे हैं कि देखिए ये हमारा हक है, डिसीजन हमारा है। किसी को तो हमने रिपोर्टर्स ने डायरेक्टली पूछा कि आपके परिवार ने आपको बता दिया किसको वोट देना है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने जो भी कहा हो ये फैसला तो मेरा है। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर रहा हूँ, युवा वोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी सारे जो वहाँ पहुँचे हैं वो एक मन बना के पहुँचे कि भाई हमें इसके लिए बटन दबाना है, एक फैसला करके आए हैं। अमेठी क्या फैसला करेगी अब की बार और किस बेसिस पे करेगी? 3 term MP परिवार राहुल गांधी को देगी या फिर उसको देगी जिसने यहाँ काम करने की कोशिश की है, बजाय इसके बावजूद इसके कि वो 1,00,000 वोटों से हारी थी? संजीव तिवारी बताइए, क्योंकि अगर रैली बनाम रैली, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमेठी
कल, अमेठी आज, अमेठी कल राहुल गांधी, अमेठी आज स्मृति ईरानी, कौन सी रैली में आपको ज्यादा जान लग रहा है? देखिए जान तो लग रहा है स्मृति ईरानी की रैली में, आपको लग रहा है? हाँ। और दूसरी बात, आप उनसे सहमत हैं? एकदम जान है और तैयारी है उस रैली की। और दूसरी बात मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर, कि जहां तक सवाल है युवा वोटर्स का, तो युवा वोटर्स वंशवाद और परिवारवाद से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और जहां तक युवा वोटरों की संख्या देखी जाए तो पूरे देश में लगभग 10% ऐसे युवा वोटर हैं जो पहली बार के वोटर हैं, जो चाहते हैं विकास, जो बेसिकली एस्पिरेशनल इंडिया, जो न्यू इंडिया की बात करते हैं, जो यह बात करते हैं कि उनके पास फोन हो, मोबाइल हो और साथ में अच्छी नौकरी हो और जुड़ने के लिए वर्ल्ड हो, यह नहीं कि देखने के लिए गांधी नेहरू परिवार हो। नहीं, और उस परिवार से वह ऊब चुके हैं, मुझे लग रहा है। प्रेम शुक्ला जब परिवार से ऊब चुके हैं तो ऐसी, देखिए युवा वोटर्स यहाँ पर हैं आज, मैं कुछ अभी कुछ युवा वोटर्स से मैं बात करके आया हूँ, इस ब्रॉडकास्ट से पहले बात करके आया हूँ। कई युवा वोटर्स थे, बोले यार कोई पार्टी नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है जिस पर मैं अपना वोट खर्च करूं, मैं क्यों वोट करूं, ऐसा सवाल पूछने वाले भी हैं। उनको तो हम कहते हैं जाइए, आप बटन दबाइए, जो ऑप्शन आपके पास है उस ऑप्शन में से किसी एक को, बेस्ट ऑप्शन को चुनिए, लेकिन चुनिए जरूर, क्योंकि इस प्रकरण में आपको शामिल होना जरूरी है। तभी जब आप चुनेंगे तभी कैंडिडेट बेहतर होंगे, जब आप मांगेंगे तभी बेहतर होंगे, जब आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो कैसा चलेगा। प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या स्मृति ईरानी जी में मादा है कि वो राहुल गांधी को अमेठी में हरा सकें? आज उनकी रैली वहां चल रही है, आप बताइए, सही आकलन कीजिएगा, सही आकलन कीजिएगा कल की रैली के मुताबिक और आज की रैली में किसकी रैली में दमखम है? आनंद जी, जो कल की रैली थी, जो राहुल गांधी की रैली थी, उस राहुल गांधी में जो क्रिश्चियन मिशेल की डायरी में एक शब्द था फैम, FAM, वही दिखाई दे रहा था। हाँ। उसमें राहुल गांधी थे, श्रीमती प्रियंका वड्रा थी, श्री रॉबर्ट वड्रा थे। हाँ। दो उनके बच्चे थे। हाँ। और कुछ जो हैं जो उनके साथ जो हमेशा से परंपरागत ढंग से उनके कार्यकर्ता हैं। हाँ। आज की रैली, आप मुझे बताइए, जब से 1980 में पहली बार श्री संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था वहां अमेठी से लेकर 2014 तक, कभी विपक्ष की इतनी जबरदस्त रैली, इतनी सजीव रैली जिसमें जबरदस्त जो है करंट हो, ऐसी रैली कभी देखी है क्या? आदरणीय रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत करीब से, वहीं अंबेडकर नगर के मूल निवासी हैं, तो अमेठी अभी सतीश प्रकाश जी और शेष नारायण सिंह जी जुड़ गए हैं। विरोधियों के लिए क्या कभी इस तरह का कभी कोई लोगों में जोश दिखा था कि वो वहां का जो प्रथम, जो वरिष्ठ का जो प्रथम परिवार है, उस प्रथम परिवार के खिलाफ इस तरह से वहां की जनता सड़क पर उमड़े? अब देखिए, ये एक और आर्गुमेंट का विषय है कि कल कांग्रेस की रैली में कितने अमेठी निवासी थे, कितने आसपास से लाए गए थे। आज भी ये आर्गुमेंट, ये विवाद का विषय है कि कितने अमेठी निवासी हैं और कितने पास पड़ोस से लाए गए हैं, क्योंकि आदित्यनाथ जी वहां मौजूद है। ये भी तो देखना पड़ेगा रामकृपाल जी की आउटसाइड सपोर्ट कितना आया है किसको। एक बात मैं बताऊं कि अमेठी का जहां तक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीता हुआ सांसद इतनी बार नहीं जाता है जितनी बार हारी हुई प्रत्याशी स्मृति ईरानी वहां गई है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस तरह का रोल किया है कि जैसे वो हारने के बावजूद कि आपने हमें नहीं